और देखिए 2 फरवरी की रात को आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। खगोल वैज्ञानिकों के बीच हरे रंग के धूमकेतु को देखने को लेकर बेहद उत्सुकता थी। दुनिया भर के लोगों ने अपने कैमरे में इसकी तस्वीरों को उतारा भी है। आप देखिए, अद्भुत, अकल्पनीय और चमत्कारिक ये अद्वितीय खगोलीय घटना का साक्ष्य है और 50,000 साल बाद धरती से दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रोशनी बिखरते हुए आसमान में चल रहा ये ग्रीन कॉमेट इससे पहले सिर्फ हिमयुग में दिखा था, अब कलयुग में दिखा है। इसका हरा रंग सोलर विंड और कॉमेट के पत्थरों के टकराने की वजह से बन रहा है। जब कॉमेट के ये पत्थर सोलर विंड से टकराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी वजह से इस धूमकेतु का रंग हरा नजर आता है। दुनिया भर में लोगों ने इस अविस्मरणीय पल को अपने कैमरे में कैद किया। ऐसे ही यूपी के वाराणसी में भी एक तस्वीरें कैद हुई, एक छात्र वेदांत के कैमरे में। 16 वर्षीय वेदांत पांडे ने एडॉप्टर की मदद से मोबाइल कैमरे को टेलीस्कोप से जोड़ा और फिर ग्रीन कॉमेट के लिए 4 घंटे एंगल बनाया। इसके बाद जो तस्वीरें उतारी वो देख लीजिए। इस धूमकेतु के डराने वाले संकेत भी हैं। जब जब बड़ा धूमकेतु पृथ्वी से दिखा है तब तब अनहोनी हुई है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी इसी तरह का धूमकेतु दिखा था। एक बार फिर जब यूक्रेन युद्ध के बहाने वर्ल्ड वॉर का खतरा बना हुआ है तो धूमकेतु दिखाई दे रहा है।